एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री मैं कहती हूँ मैं फ्री कंट्री में रह रही हूँ, मैं अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ तो मैं जैसा रहना चाहूँ मुझे रहने दिया जाए। अब मैं मतलब सबके लिए, हमारी कंट्री में फ्री कंट्री है, आप ये पहनना चाहते ठीक है, आप धोती लुंगी पहनना चाहें ठीक है, क्यों मना? हाँ, अभी हमारे दो फिल्म्स कंप्लीट हुए, एक भोगा खिड़की एसमीज जानू बरवा का और एक पानी बाय आदिनाथ कोठारे। सो पानी, बोथ ऑफ देम हैव बीन पिक्ड अप फॉर फेस्टिवल इन न्यूयॉर्क, इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छी, इस साल ये दो फिल्म्स आ रहे हैं हमारी। आई थिंक आई एम द पॉइंट ऑफ एनवी, इतना बढ़िया सन इन लॉ है जो बिल्कुल ट्रीट ही नहीं करता मुझे मदर इन लॉ जैसा, फ्रेंड जैसा ट्रीट करता है, वेरी नाइस। हाँ, इमीडिएटली फोटो देखते ही मैंने फ़ोन किया, और क्या रिएक्शन, इतनी दूर से क्या रिएक्शन होगा, मेरे सामने होती है तो झपकी लगाती, बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत स्पेशल लग रही थी। आपको अच्छी लगी कि नहीं? वेल, मेरी फेवरेट जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे जा चुका हूँ लेकिन हमेशा जाने का मन करता है, हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी छुट्टी मिले वहीं पे जाए, और मेरी फेवरेट जगह है स्विट्ज़रलैंड। आई मीन बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि जहाँ पे जब टाइम होता है तो इंस्टाग्राम में जाके हैशटैग स्विट्ज़रलैंड डालना पड़ता है, और जितनी भी उसकी वीडियोज़ पिक्चर्स देख के इतनी खुशी मिलती है, और लगता है कि जैसे ही नेक्स्ट छुट्टी होने वाली है, जैसे ही हम हॉलीडे का प्लान करने वाले वहीं पर जाएँगे। कश्मीर में मैं एक्चुअली 3 साल मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे, और कश्मीर मेरी फेवरेट जगह है, और वहाँ पे आप किसी भी मौसम में कभी भी आप जा सकते हो, उतनी खूबसूरत जगह है वो। वैसे जैसे मैंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड मेरी बहुत फेवरेट जगह है, और मुझे मालूम था इस अवार्ड में आने वाला हूँ, तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत ठंड होती है तो इसलिए ठंड वाले थोड़े कपड़े मैंने डाले हैं, कुछ नहीं। और हमेशा बोलते हैं कि लड़के बहुत कम टाइम लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटा लेता हूँ तैयार करने होने में, क्योंकि पहले बाल बनाए जाते हैं क्योंकि बाल इतने लंबे हो गए हैं, फिर मेकअप होता है, हेयर होता है, फिर स्टाइलिस्ट आती हैं, उनको जैकेट पसंद करना है, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा ज़रूर लगता है। बिल्कुल अक्सर ऐसे ही होता है, 2 से 2.5 से 3 घंटे कहीं नहीं जाते। वेल, सबसे पहले अब्रॉड हम गए थे, दुबई गए थे एक अवार्ड के लिए, गोल्ड्स अवार्ड के लिए, और मैं और देबिना दोनों साथ में पहली बार गए थे, और उसका अलग ही मज़ा होता है जब पासपोर्ट आपका बन जाता है, वीज़ा लग जाता है और आप इंडिया के बाहर जा रहे होते हैं, और तब हम लोग शो कर रहे थे, रामायण का शूट कर रहे थे, तो मौका बिल्कुल भी नहीं था कि कहीं बाहर जा सके, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट में थे कि जहाँ पर हम भगवान श्री राम और सीता के अलावा कहीं और किसी भी रूप में दिख नहीं सकते थे। वेल, पहली बार दुबई गए थे, और वो इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वेल, कुछ रिवील करने का ऐसा कुछ है नहीं, बाल हमेशा आपने शॉर्ट हेयर में मुझे देखा है, तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा लुक बदलता रहूं, जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूंगा मेरी कोशिश है कि ये कुछ नए लुक में मैं कर पाऊं। थैंक यू सो मच। अरुण के साथ एक पोस्ट करना चाहिए भाई, ले तू पहन ले, तो क्या कमाल लगेगा। हाँ जी,
So I am wearing Shaila Khan tonight. I really love her outfits. It's super comfortable and at the same time it's very chic. So yeah. I actually can't talk about my upcoming projects right now, but I can certainly say that the journey with Jungly has been absolutely amazing. I've had some wonderful moments on the set, and I also post-release life has slightly changed a bit. I can confidently say that. So I'm in a happy space at the moment. No, it's definitely not easy. I had to start from scratch. So it's very important to understand the traits that you require to win a beauty pageant is very different in doing a film. In a film, you really have to hone a lot of other characteristics as well. So I won in the year 2014, but it took me 3 years to bag this film. So I was constantly working, be it dancing, singing, martial arts, you name it, and you got to work on yourself, go give auditions, and that's when I got this part. So it's not easy. You have to start from scratch. So मैं तो होप यही कर रही हूँ कि जो भी हो बहुत अच्छा हो. मैं तो ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहती कि यही करनी है या ऐसा ही कुछ कैरेक्टर करना है. 1.3 बिलियन पीपल है हमारे देश में, तो कुछ भी आपका भी एक कैरेक्टर हो गया, मेरे खुद का लाइफ का एक कैरेक्टर हो गया, तो जो भी मिले उसको शिद्दत से करना चाहती हूँ. Thank you. हाँ जी सर. फर्स्ट टाइम मैं अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ गया था. विक्रम, मीनाक्षी एक्स गर्लफ्रेंड, पहली एक्स गर्लफ्रेंड. और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना मुझे इतना कंफर्टेबल फील होगा और इतना ज़्यादा मैं इन्जॉय करूँगा. हम लोग इस्तांबुल गए थे टर्की, और वहाँ से हम लोग गाड़ी चला के कैपेडोकिया गए, कुछ 300 मील दूर है. लेफ्ट हैंड ड्राइव मैंने पहली बार चलाई थी. हम लोग इस साइड बैठते हैं, उसमें उस साइड बैठना होता है. बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं, हम लोग केव्स के अंदर रहे थे, डॉम्स टाइप का डॉम केव था, बहुत अच्छा लगा. ऋषिकेश हमेशा, हर साल नवंबर दिसंबर, 10 साल से तो जा रहा हूँ. हाँ, बहुत अच्छी जैसी राइड होती है, और थोड़ी हम लोग सारी सेफ्टियों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बाइकें चलाई अपनी. एंड इट वाज रियली नाइस, क्योंकि शायद सर इज़ अ रियली रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर राइडर, एंड आई थिंक ही केप द होल टीम टुगेदर एंड मोटिवेटेड एवरी वन टू बी इन द प्रॉपर गियर. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. एंड आपको जब सीनियर राइडर्स अच्छी सलाह देते हैं तो सीखना चाहिए उससे, और आई वॉज रियली इंस्पायर्ड. तो जुलाई में शूट है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ. अभी अनाउंसमेंट शायद एक दो हफ्ते में होगी. मैंने तो कभी नहीं किया. थैंक यू.